लुकला एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्टों में से एक माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे छोटे एयरपोर्टों में से भी एक माना जाता है। पिछले 20 सालों से इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जा रहा है। ये एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों के बीच बना हुआ है, जो कि इसके खतरनाक होने का एक सबूत है। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना छोटा है कि प्लेन लैंड करते वक्त बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है। कभी कभी कुछ प्लेन कंट्रोल में ना आने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और दूसरे देशों से माउंट एवरेस्ट को आने वाले लोगों के लिए ये एयरपोर्ट एकमात्र रास्ता है। इस जगह प्लेन के लिए कोई भी किसी भी तरह का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। अगर टेक ऑफ करते वक्त पायलट से ज़रा सी भी गलती हो जाए तो प्लेन पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो जाएगा। टोंगटन एयरपोर्ट। यह एक सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट इतना खतरनाक है कि हिस्ट्री चैनल ने इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना है और ये एयरपोर्ट पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना छोटा है कि अगर पायलट शुरू में ही प्लेन की स्पीड सही नहीं रखे तो प्लेन हवा में इधर उधर चलने लगेगा और पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो जाएगा। इस एयरपोर्ट पर वही पायलट प्लेन लैंड करवा सकते हैं जो स्किल्ड हो, जो प्लेन को उड़ाने में तथा लैंड करवाने में छोटी सी भी गलती ना करते हों। कॉर्चिवल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे छोटे एयरपोर्टों में से एक है और इसका रनवे इतना छोटा है कि लैंड तथा टेक ऑफ करते वक्त क्या हो जाए पता नहीं। ये एयरपोर्ट पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण हर वक्त खतरा बना रहता है और यहाँ का मौसम ज़्यादातर खराब रहता है, जिसके कारण आसपास कोहरा छाया रहता है और इस एयरपोर्ट का रनवे बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है। प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट छोटे प्लेन्स के लिए बनाया गया है। ये एयरपोर्ट खतरनाक इसलिए है कि इसका रनवे सिर्फ 2300 मीटर का है, जो कि एक प्लेन रनवे के लिए बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात इस एयरपोर्ट की यह है कि इसके पास एक समुद्र तट यानी एक बीच है। इस बीच के ऊपर से प्लेन इतनी नीचे से गुजरता है कि नीचे वाले लोगों को प्लेन के अंदर खिड़की के पास बैठे हुए व्यक्ति को आसानी से देख सकते हैं और ये एयरपोर्ट बीच के लोगों के लिए एक मुश्किल बना हुआ है। पारो एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को इतना खतरनाक माना जाता है कि केवल 8 पायलट ऐसे हैं जिनको इस एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करवाने के लिए क्वालिफाइड किया गया है। इस एयरपोर्ट का रनवे 1964 मीटर का है और यह पहाड़ों के बीच से गुजरता है और यहाँ पर वही प्लेन लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं जिनके बनाने में अच्छी मान्यता प्राप्त हो। गिब्राल्टर एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट किसी पहाड़ या रनवे छोटा होने के कारण खतरनाक नहीं माना जाता, बल्कि इसको इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसका रनवे एक हाईवे से गुजरता है जहां से व्हीकल तथा
कार और बस गुजरती है। जब भी इस एयरपोर्ट पे कोई प्लेन लैंड करता है उस वक्त हाईवे बंद कर दिया जाता है और कार और बस तथा व्हीकल को रुकने के लिए एक लाइट सिग्नल दी जाती है। मेडाइरा एयरपोर्ट ये दुनिया का एक लौता एयरपोर्ट है जिसका रनवे इंजीनियर द्वारा बनाया गया है। ये एयरपोर्ट समुद्र के किनारे पर बनाया गया है। इसका रनवे इतना खतरनाक है कि अगर प्लेन को लैंड करवाने में जरा सी भी चूक हुई तो प्लेन का एक्सीडेंट होना तय है। नरसारस्वेक एयरपोर्ट कुछ कारणों के कारण ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्टों में से एक माना जाता है। यहाँ बर्फबारी होती रहती है जिसके कारण इसका रनवे बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है जिसके कारण पायलट को रनवे का पता नहीं चलता और वे कंफ्यूज हो जाते हैं जिसके कारण प्लेन लैंड करते वक्त क्रैश भी हो सकता है।